अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन तंदूरी कढ़ाई बनाई है, जो कि बहुत ही यमी और टेस्टी बनती है। बहुत ही बनाना आसान है, इसके लिए कुछ भी आपको मेहनत नहीं ज़्यादा करनी पड़ेगी। बस तीन चार चीज़ें डलेंगी जो घर पर ही होती हैं, और आपकी चिकन तंदूरी कढ़ाई बन जाएगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 किलो लिया मैंने चिकन, जिसमें ये देखिए बोन की हड्डियाँ भी हैं, बोटियाँ भी हैं और बोनलेस भी हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। अब हम इनको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया हल्दी पाउडर आधी चम्मच, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। फिर मैंने ली देगी मिर्च सुर्ख, वो मैंने एक चम्मच डाल दी भर के। फिर मैंने आधी चम्मच नमक डाला है। नमक डालने के बाद मैंने एक चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला, और ये है जी सुर्ख मिर्च एक चम्मच। मैंने लास्ट में एक सुर्ख मिर्च की एक चम्मच डाल दी, एक चम्मच देगी मिर्च और एक चम्मच सुर्ख मिर्च घर की आम। अब मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और 1 कप मैंने भर के डाल दिया है दही का। ये देखिए, अच्छे से इसको मैरिनेट करेंगे हाथों से। हर हर हिस्से पे ये लगनी चाहिए, कहीं से भी गोश्त की कोई गोटी रह ना जाए। अच्छे से मैरिनेट करेंगे, जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखिए, चिकन सारा मैरिनेट हो गया है। अब मैं इस चिकन को तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए ढक के रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 3 अदद प्याज चॉप करके डाल दिए हैं। स्लाइसिस में नहीं काटेंगे, चॉप किए हुए काटेंगे, ताकि ये अच्छे से घुल मिल जाए, ग्रेवी सी बन जाए हमारी। ये देखिए, अब मैं इनको ब्राउन कर लिया मैंने। ब्राउन करने के बाद मैंने 4 अदद लिए टमाटर, हर टमाटर को मैंने 4 टुकड़ों में काटा और बड़ा बड़ा इसमें डाल दिया। ये अच्छे से इसमें घुल मिल जाएंगे इंशाल्लाह से, और हम इसका छिलका भी रिमूव कर देंगे जब ये नरम हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट इनको अच्छे से हिलाने के बाद मैं इनका छिलका नहीं रिमूव करूँगी, बल्कि मैं अब इसमें डाल दूँगी चिकन, जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये देखिए, चिकन मैरिनेट करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, तब कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको भूनती रहूंगी इंशाल्लाह। और देखिएगा, जैसे ही चिकन और दही का जो पानी निकलेगा, उसी में ही ये अच्छे से हमारा जो चिकन है वो गल जाएगा, क्योंकि मैरिनेट भी हुआ है तो जल्दी गलेगा। जैसे ही चिकन और दही अपना पानी छोड़ेंगे, तो हम इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। ये देखें, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन उतार दिया है। अब कितना लजीज यमी किस्म का हमारा चिकन तैयार हो रहा है, ये देखें, ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने सारे घर के ही मसाले डाले हैं, तो घर के ही मसालों से सारी खुशबू आ रही है। जो देगी मिर्च है वो इसको बहुत अच्छा कर देगी। ये देखें, मैंने अब सारे जो थे मेरे टमाटर, उसके मैंने छिलके रिमूव कर दिए हैं, और मैंने इस चम्मच मार मार के जो सारे थे टमाटर, मैंने उनको बारीक कर लिया है अच्छे से। ये देखे माशाल्लाह, जो थोड़ा बहुत रह जाएगा मैं उसको हिलाऊंगी, तो वो और अच्छे से सारा घुल मिल जाएगा और हमारी ग्रेवी सी, हल्की सी ग्रेवी सी बन जाएगी। ये देखिए, ध्यान से आपने इसमें चम्मच मारना है, ये ना हो कि आप चम्मच मारते हुए जो चिकन है उनको बोटियों से लैदा कर दें, या चिकन का चूरा चूरा कर दें, ये खास ध्यान रखना है आपने। ये देखें जी, चिकन मेरा भुन गया था माशाल्लाह से, तो जो ऑयल है वो लैदा हो गया। अब मैंने इसमें 1 चम्मच भर के डाल दी है कसूरी मेथी की। कसूरी मेथी डालने के बाद अब मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है हरा धनिया, और ये देखें माशाल्लाह से कितना यमी मज़ेदार किस्म का हमारा चिकन तंदूरी तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसको थोड़ा सा कोयला रख के इसको आप धुआं दे दें तो और भी मज़ेदार लगेगा, लेकिन मैं नहीं दे रही हूँ, ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें, ओके जी, ज़्यादा